हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान में देश के हर नागरिक को समान रूप से कुछ अधिकार दिए गए हैं। हर भारतीय नागरिक को इन अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए। आज की वीडियो में जानेंगे भारतीय नागरिकों के कुछ खास अधिकार जो हमें पता होना जरूरी है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में भारत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार देश के सभी नागरिकों के लिए समान हैं और संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। देश के हर नागरिक को इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। समता का अधिकार। भारत जैसे देश में कई जातियों के लोग रहते हैं। इन जातियों के बीच के भेदभाव को खत्म करने के लिए समता का अधिकार संविधान में जोड़ा गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दर्ज है। ये छुआछूत जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकारों को अनुच्छेद 19 से 22 में शामिल किया गया है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, लेकिन वो काम गैर कानूनी और असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। इस अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गिरफ्तार होने पर कानून की मदद लेने की स्वतंत्रता, खाने और पहनने की स्वतंत्रता वगैरह को शामिल किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। ये अधिकार धर्म निरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। इस अधिकार के तहत भारत के हर नागरिक को किसी भी धर्म में विश्वास रखने और अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 27 किसी भी नागरिक को इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शिक्षा का अधिकार। शैक्षिक अधिकारों के लिए संविधान में दो अनुच्छेद 29 और 30 रखे गए हैं, जिसके अनुसार सभी को अपनी संस्कृति का पालन करने और एक अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। इस अधिकार में लोगों को शिक्षा देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबंध है। इसके अलावा संविधान के 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21 ए जोड़ा गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन RTE कहा जाता है। इस अधिकार के तहत देश में 6 से 16 साल के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निर्धारित है। सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 19 ए के तहत पारित RTI अधिनियम भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सरकारी सूचना हासिल करने का अधिकार देता है। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों में सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन को 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया था। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। संविधान में समय समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। दोस्तों, ये थे कुछ हमारे मौलिक अधिकार। आपको कौन सा मौलिक अधिकार सबसे अच्छा लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द मिस्ट्री रैप को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर लें।